पश्चतारिने शून्यवादी पाश्चत जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरि गौर भक्त वृंद श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम मानस देह गेहा जो किछु मोरा मानस देह गेहा जो किछु मोरा अर बिला दुआ बादे नंद किशोरा अर बिला दुआ बादे नंद किशोरा संपदे विपदे जीवन मराने नित्य दास प्रति
गृहे जानी जन्म हौ मोरा भगत गृहे जानी जन्म हय मोरा गीत जन्म हुआ यथा तुआदा बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मे नाही आशा बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मे नाही आशा भक्ति मुक्ति स्त्रिया विहीन ये Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare.
hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Nam Sankirtan ki jai Shri Prabhupada ki jai Nitai Gaur Hari Shri Nandi ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है ठाकुर भक्तिनो जी इस भजन में शरणागति के दौरान कहते हैं हे नंद किशोर कृष्ण मेरा मन शरीर और परिवार तथा अन्य जो कुछ भी है उसे मैं आपके चरण कमलों पर समर्पित करता हूँ। संपदाओं में अथवा विपदाओं में जीवन में अथवा मृत्यु में आपके चरण कमलों को अपना एकमात्र आश्रय चुनने पर सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं। चाहे मुझे मारिए अथवा मेरी रक्षा कीजिए इस नित्यदास पर आपका पूरा अधिकार है। यदि आपकी इच्छा है कि पुनः इस संसार में मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म किसी भक्त के घर पर ही हो। चाहे मेरा जन्म एक कीड़े के रूप में हो किंतु मैं आपका भक्त रहूं। आपसे विमुख होकर मैं ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेना नहीं चाहता। मैं उस भक्त के संग के लिए ललायित हूँ जो सभी प्रकार के भोगों मुक्ति अथवा अन्य इच्छाओं से विमुक्त है। पिता माता प्रेमी पुत्र स्वामी गुरु पति मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं कान्हा कृपया मेरी याचना सुनो। हे राधानाथ आप ही मेरे प्राण धन हैं। इस प्रकार से हमें भी धीरे धीरे ये मनोवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए कि जिस भी स्थिति में ठाकुर जी रखते हैं उसमें रहकर और हम भगवान का भजन कीर्तन करें। अम ज्ञान दिमिरांधस्य ज्ञानांजना शुलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखां तं च नमः ॐ विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासित वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इस कक्षा में हम भगवान के एक महान भक्त राजा कुलशेखर के द्वारा रचित मुकुंदमाला स्तोत्र का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान से निरंतर प्रार्थना करना। और जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने महान भक्तों ने प्रार्थनाएं की हैं अगर उन प्रार्थनाओं को हम सुनते हैं समझते हैं और दोहराते हैं तो फिर हमारे अंदर भी भावना प्रकट होती है और उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो पिछले 6 श्लोकों में मुकुंदमाला स्रोत में हमने सुना कि राजा कुलशेखर एक महान भक्त है अलवर हैं। आपको पता है आज एक स्पेशल दिन भी है। क्या आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है और रामानुजाचार्य भी श्री संप्रदाय से आते हैं और अलवर जो कि 12
अलवर हैं, जिस तरह हमारे वैष्णव संप्रदाय में 12 महाजन हैं, तो वैसे ही शीर्ष संप्रदाय में 12 अलवर हैं। और उन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय के माध्यम से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। आज प्रेजेंट समय में जो 4 संप्रदाय हैं उसमें से ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा श्री संप्रदाय है, जो कि काफ़ी बड़े स्तर पर, खासकर से दक्षिण भारत में यदि आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सब श्री संप्रदाय के अंडर हैं और रामानुजाचार्य के बड़े महान फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। और रामानुजाचार्य के बारे में प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य ने बहुत विस्तार से लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए हर संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत लिए हैं। तो रामानुजाचार्य संप्रदाय से उन्होंने 2 संप्रदाय लिए, किसी को पता क्या क्या? हाँ, एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है प्रपदंते शरणागति, पूर्ण शरणागति और वैष्णवों की सेवा करना। इसी तरह अलग अलग संप्रदाय से उन्होंने अलग अलग सिद्धांत लेकर और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की है। तो हम बात कर रहे थे कि आज भी राजा कुलशेखर के द्वारा प्रार्थनाओं में पिछले 6 श्लोकों में उन्होंने बताया, खासकर से लास्ट 2 श्लोकों में उन्होंने क्या चर्चा किया था कि चाहे मुझे स्वर्ग में रखो, चाहे मुझे नरक में रखो, चाहे इस पृथ्वी पर रखो, बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आपके युगल चरण कमलों का हमेशा स्मरण कर सकूं। और कल हमने पिछली बार हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी आपको, एक होमवर्क दिया था, क्या था होमवर्क शुभम? हाँ, तो डे टू डे लाइफ में पूरे दिन में कितना हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि यमयम वापि स्मरण भाव, जो जो हम स्मरण करेंगे वैसा हमें स्वभाव प्राप्त होगा। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन का उद्देश्य है स्मरण। तो जो हम कथा सुनते हैं, जो नाम जप करते हैं, धीरे धीरे स्मरण होना चाहिए। तो पिछले श्लोकों में राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे को किसी भी स्थिति में रखिए। जैसे आज भी हमने भजन गाया, ठाकुर भक्तिनाथ जी कह रहे हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। तो ये भौतिक संसार है, कभी स्थिति अनुकूल होगी, कभी स्थिति प्रतिकूल होगी, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान के निरंतर स्मरण करना चाहिए। कुंती महारानी का ये प्रसिद्ध श्लोक विपदा संतु सतता, मैं कह रही हूँ हमेशा हमें विपदा दीजिए, क्योंकि अगर मैं विपदा आएगी तो आपका दर्शन करेंगे और आपका दर्शन करने से अपुनर्भव दर्शनम, फिर इस भव सागर का पुनर्दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो ये सभी आचार्यों का एक ही मोटिव है कि किसी भी स्थिति में हम आपका दर्शन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन करते रहें, जिससे कि दोबारा से हमें इस भौतिक संसार में कष्टमय संसार में ना आना पड़े। आज का श्लोक बड़ा सुंदर है, इसको हम एक बार दोहराएंगे। चिंतयामि हरिमेव संततम् मंदहासामुदितानुवम्भुजाम् नन्दगोपातनयम् परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् चिंतयामि हरिमेव संततम् मंदहासामुदितानुवम्भुजाम् नन्दगोपातनयम् परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततम् मन्दहासामुदितानन्नम्बुजम् नन्दगोपातनयम् परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। बड़ा सुंदर श्लोक है, राजा कुलशेखर कहते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं, चिंतयामि मैं सोचता हूँ हरिम भगवान हरि के विषय में एवा निस्संदेह सततम् सदैव मंदा हल्की हासा मुस्कान से मुदिता प्रसन्न आननम भुजम कमल के समान मुख वाले नंद गोपा ग्वाल नंद के तनयम पुत्र को परात परमा परम ब्रह्म नारदादि नारद इत्यादि मुनि वृंदा समस्त मुनियों द्वारा वंदितम पूजित। अनुवाद।
मैं सदैव भगवान हरि का चिंतन करता हूँ, जिनके कमल समान प्रसन्न मुख मंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती है। यद्यपि वे नंद गोप के पुत्र हैं, वे परम पूर्ण सत्य भी हैं, जो नारद जैसे महान मुनियों द्वारा पूजित है। तो हम देखेंगे जब भी भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और साथ में उनके कुछ गुण बताते हैं कि मैं उन भगवान का स्मरण करता हूँ, उन भगवान का कीर्तन करता हूँ, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके अंदर ये सुंदर गुण है। इसे ब्रह्म संहिता में क्या है, हर श्लोक में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ, चिंतामणि प्रगसत्मा प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना प्रेमा, इस तरह अलग अलग गुण बता रहे हैं। तो ये परंपरा है क्योंकि भक्त लोग भगवान को निराकार रूप में नहीं बल्कि साकार सगुण सरूप सलीला वाला समझते हैं। तो भक्त जानता है कि भगवान का सुंदर नाम है, जैसे आज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, भगवान के नाम भौतिक नहीं है, दिव्य है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, दिव्य है, भगवान की लीलाएं, भगवान के सब कुछ दिव्य है और उन दिव्य रूपों का स्मरण करते हुए भक्त भगवान को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और उनसे स्तुति करता है। तो आज के श्लोक में राजा कुलशेखर भगवान के सुंदर मुखमंडल और उस मुखमंडल में मृदु मुस्कान का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के रूप में जब ज्ञानी और योगी लोग ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में आनंद नहीं है, उसमें ज्ञान और सत फीचर है, लेकिन भक्त लोग भगवान के सुंदर रूप सुंदर लीलाओं का ध्यान करते। तो यहां पर विशेष रूप से क्या शब्द आया है कि भगवान का जो रूप है, सुंदर रूप है, वो कैसा है, मंदहासा मुदित अन अंबुजाम, मंदहासा मुदित अन अंबुजाम। देखिए हमारे में योग्यता नहीं है कि हम इन ऐसे श्लोकों के द्वारा भगवान का स्तुति कर सके, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसलिए सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा, भगवान का एक नाम क्या है, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक का मतलब जिनका गुणगान जिनकी स्तुति चुने हुए शब्दों उत्तम श्लोकों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जैसे इस भौतिक संसार में सबसे जो पवित्र या सुंदर वस्तु है वो कमल का फूल है, भगवान को और भगवान के अलग अलग अंगों को कमल के फूल से तुलना किया गया है। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राया, नमो पंकज आंग्रिने, किसने बोला ये श्लोक, कुंती महारानी भगवान का दर्शन करते, जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पत्थर की तरह के खड़े हो जाएं बस, या फिर अपनी बीमारी प्रॉब्लम लेके खड़े जाएं, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम बस लिस्ट लेकर, सबसे पहले मैं भगवान का प्रणाम करता हूँ, कह रहे चिंतयामि, मैं चिंतन करता हूँ, प्रभा जी अनुवाद में लिख रहे हैं, मैं सदैव भगवान हरि का चिंतन करता हूँ। तो ये है भगवान के भक्त का लक्षण, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, भगवान गीता में कह रहे हैं महात्मा का लक्षण क्या है कि दैवीं प्रकृति माश्रिता, वो दिव्य प्रकृति में रहता है। दिव्य प्रकृति का लक्षण क्या है कि वो हमेशा सदैव भगवान माम स्मरण चिंतन करता है, भगवान गीता में भी कह रहे हैं ना, मन मना मद भक्तो मद्याजी, तो भगवान का भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, मैं सदैव भगवान हरि का चिंतन करता हूँ, किनका, जिनके कमल समान अंबुजाम, अंब बोलते पानी को, जन्म जिसका जानी पानी से जन्म हुआ है, तो कमल के समान मुख वाले आपके जो प्रसन्न मुख मंडल है, भगवान प्रसन्न हैं और उनके चेहरे पर मृदु मुस्कान बनी रहती है, कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग नॉट लाफिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाफिंग एंड स्माइलिंग, है ना, तो स्माइल मतलब भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। यहां कह रहे हैं कि जिनके कमल समान प्रसन्न मुखमंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती, कभी भगवान चिंता में नहीं रहते, महाभारत का युद्ध हो या फिर इंद्र ने तेज बारिश किया हो, कृष्ण इज ऑलवेज स्माइलिंग। और आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि भगवान के उस सुंदर मुस्कुराते चेहरे को देखकर भक्त भी सब प्रकार के कष्टों के बीच में भी और मुस्कुराते रहते हैं। तो जिनके कमल समान
प्रसन्न मुखमंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती है। पहला पोर्शन ये है अनुवाद का, और सेकंड पोर्शन क्या है कि चाहे भगवान नंद महाराज के पुत्र में प्रकट हुए हैं, लेकिन वो कौन है? परम सत्य हैं। और इस बात का सबूत क्या है कि नारद जैसे मुनि भी उनकी पूजा करते। तो ये दो पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, खासकर भगवान की सुंदर मुस्कान के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं, इस बार भी पढ़ना शुरू कीजिए तात्पर्य। जो जो राजा कुलशेखर भगवान का चिंतन करते हैं और उनकी प्रसन्नता का स्मरण करते हैं, जो जो राजा स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे भगवान की प्रसन्नता का स्मरण करते हैं, राजा मतलब भक्त भी स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रसन्न होना है तो भगवान के प्रसन्न जो चेहरा है उनका स्मरण करना है कि हाउ कृष्ण इज ऑलवेज स्माइलिंग। आगे बढ़िए। कोई डाउट है इसमें? भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जो बद्ध आत्मा है हम जो, वो अधिकांशतया दुखी रहते हैं। यस। जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की विस्मृति में जीवन बिताते हैं तो हमारा तथा कथित आनंद भी भ्रम ही होता है, जो असंतोषजनक क्षणिक सुख चपल सुख है। तो आप समझ रहे ना, अगर हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, तो हमारा सो कॉल्ड आनंद, आप बोलोगे नहीं भगवान प्रसन्न और हम भी प्रसन्न है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं है तो हमारी सो कॉल्ड जो प्रसन्नता है वो भी असली में तथा कथित है और वो क्या है? भ्रम है। यस, बढ़िया। कवि गोविंद दास अपने गीत भजऊं रे मन में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, किसी के धन युवावस्था पुत्रों का पारिवारिक जनों पर क्या भरोसा, यह जीवन कमल की पंखुड़ी पर इधर उधर हिलती डुलती जल की बूंद के समान है, इसलिए आपको सदैव भगवान हरि के दिव्य चरणों की सेवा करनी चाहिए। गाते हैं ना हम ये, ए धन यौवन पुत्र परिजन, तो कह रहे हैं कि धन यौवन पुत्र परिजन में क्या भरोसा है, और कमल दल जल जीवन ढलमल। आप देखो शास्त्रों का सार हमारे आचार्यों ने दिया है, तो कह रहे क्या भरोसा, इसलिए भजहूं हरि पद नीति रे। इसलिए कह रहे हैं कि आपको सदैव भगवान हरि के दिव्य चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो क्योंकि इस संसार में जो सुख और आनंद है वो क्या है, कमल के पत्ते पर हिलती डुलती जल की भूमि के समान, जल की बूंद के समान है, कभी भी खत्म हो सकता है। यस, गो फर्दर। वैष्णव कवि नरोत्तम दास ठाकुर ने परमेश्वर की प्रसन्नता का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नित्यानंद प्रभु को संबोधित एक गीत में इस प्रकार किया है, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, हे प्रिय नित्यानंद प्रभु आप सदैव आध्यात्मिक आनंद में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप सदैव प्रसन्न प्रतीत होते हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं अति दुखी हूँ, यदि आप मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दें तो मैं भी सुखी बन जाऊँ। एक और भजन प्रभुपाद जी खास गा रहे थे, हाँ प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद नित्य जो आनंद में रहते हैं और प्रेमानंद में रहते हैं और सुखी भी हैं, और क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ये दो बातें स्वीकार करना आवश्यक है, पहला कि हम दुखी हैं, और दूसरा ऐसा नहीं हम दुखी हैं तो दूसरे दुखी के पास जाके और बोलते लेके बस अपने दुख को दूर करने का कोशिश करें। हम दुखी हैं और भगवान नित्य आनंद में है, प्रेमानंद में है, हमेशा आनंद में है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यदि आप मुझ पर कृपा दृष्टि डालेंगे तो मैं भी सुखी बन जाऊंगा। तो राजा कुलशेखर हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, भगवान प्रसन्न है और भगवान के पास जाने से, भगवान का भक्त बनने से हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। भगवद गीता में क्या श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो ब्रह्मभूत का मतलब क्या होता है, क्या होता है, गीता पढ़ा किसी ने, ब्रह्मभूत का मतलब क्या होता है विशाल, भूत का मतलब क्या होता है, जीवात्मा को बोलते हैं, जीवात्मा को भूत बोलते हैं, मतलब ऑफकोर्स वो दूसरा भूत भी है इसके पास भौतिक शरीर होता है, और ब्रह्म मतलब भगवान स्पिरिचुअल लाइट है, तो जो ब्रह्मभूत है, तो एक है इस भौतिक संसार में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो भगवान के आध्यात्मिक संसार में अपने आप को रमाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है वो प्रसन्न हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है, इफ एट ऑल कोई आप में से ज्यादा प्रसन्न होना, कोई नहीं आता, सब दुखी रहना दे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान के पास आना है और भगवान के पास आकर क्या प्रार्थना करना है कि कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। आज हम सुबह भी पढ़ रहे थे प्रजापति दक्ष क्या प्रार्थना करें, प्रसिद्धता हम कि आप मुझसे प्रसन्न होइए। प्रसन्न होकर मतलब ये नहीं कि प्रसन्न होकर मेरे को घर फैक्ट्री हेल्थ
कुछ नहीं चाहिए, कहते बस आप मेरे को प्रसन्न होइए, अपनी कृपा दृष्टि डालिए जिससे कि मैं इस बहुत ही कष्ट से दूर हूँ। इस आगे स्तुति में राजा कुलशेखर अपने आप को ईश्वर की स्वयं स्वरूप प्रेमावस्था में मानते हैं, जिसमें भक्त औपचारिक अनुष्ठान तथा स्तुतियों से ऊपर उठकर सदैव भगवान हरि के बारे में चिंतन करता है। भक्ति में सेवा में सुख का यह असली मानदंड है। क्या असली मानदंड है? कि वो सदैव, मतलब अगर कोई भक्ति भक्ति कर रहा है और सुखी है, इट मींस उसका पैरामीटर क्या है कि वो हमेशा हरि का चिंतन करेगा। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान हरि का सदैव चिंतन करता है वही भक्ति में सुखी रह सकता है। केवल भक्ति में आना पर्याप्त नहीं है, भक्ति का मतलब ही असली में भगवान का निरंतर चिंतन करना है। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, युद्ध भूमि के अंदर है कि मामनु स्मरण युद्ध चा, यू रिमेंबर मी थब, तो मामनु स्मरण युद्ध चा। तो यहां लिख रहे हैं कि भगवान हरि के बारे में निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति सेवा में प्रसन्न रहेगा, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे ना, शीतोष्णा सुख दुखदा आगामी पाए होने दिव्य, संसार में सुख दुख लाभ हानि आता रहेगा, तो भक्त को भी आता है। ऐसा नहीं कि भक्त को रोग नहीं आएगा, भक्त को गर्मी नहीं लगेगी, भक्त को भूख नहीं लगेगी, भक्त को दूसरे लोग अपमानित नहीं करेंगे, करेंगे, ये बहुत ही संसार का नियम है। लेकिन जो भगवान हरि का निरंतर चिंतन करता है वो किसी भी स्थिति में सुखी रह सकता है, ये उसका मानदंड है। तो हाउ टू बिकम हैप्पी, क्या लिख रहे, यस, स्मरण कैसे पॉसिबल है, निरंतर कीर्तन द्वारा। तो पहले कीर्तन, ऑफ कोर्स उससे पहले श्रवण, पहले श्रवण, पहले कीर्तन के बारे में, कीर्तन की महिमा को श्रवण किया, फिर कीर्तन करेंगे, और निरंतर कीर्तन करने से अनवरत, अनवरत स्मरण, देन कंटिन्यूसली यू कैन रिमेंबर कृष्ण। अभी बहुत मुश्किल है कंटिन्यूसली, मैं अभी तो जब करते समय भी मेरे कृष्ण को रिमेंबर नहीं कर पाते, बट ये प्रैक्टिस है। तो हमारे को आध्यात्मिक जीवन में केवल प्रवेश नहीं करना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद लिखते हैं ये कृष्ण का निरंतर श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माया आपको इन तीनों कामों से हटाने का प्रयास कर रही है। क्यों कृष्ण के बारे में सुन लियो, सुन लिया ना एक घंटा सवेरे, अब मेरे बारे में सुनो, माया कहती है अब मेरे घर में कर लिया ना कृष्ण का महाराज जब एक भांडे, अब मेरे मेरा नाम जप करो, माया माया माया, मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, है ना, और मेरा ही स्मरण करो। तो इसलिए इट्स नॉट एन इजी जॉब, इसलिए अनवरत स्मरण करने के लिए है निरंतर कृष्ण का कीर्तन करना है। यस, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा क्रम 3 में संस्कृति करते हैं, कीर्तनीय सदा है, मनुष्य को सदैव भगवान का भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, इस तरह वह भगवान कृष्ण के सुख में सदैव सुखी रहेगा। सदैव वर्तमान समुद्र आनंद अमूदी वर्धनम की भांति भगवान का सुख भी सदैव बढ़ता जाता है, और जीव इस सागर में डुबकी लगाने के निमित्त बना है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव भगवान के संपर्क में रहकर सदैव आनंद मग्न रहना है। ओके, तो हमें आनंद चाहिए और भगवान के पास आनंद है, भगवान प्रसन्न है, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को सदैव भगवान नाम के कीर्तन के द्वारा उनका संपर्क करना चाहिए, और उनके संपर्क में आएंगे तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट है ट्रांसलेशन का। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले, जिसमें सेकंड पार्ट में राजा कुलशेखर कहेंगे कि भगवान किस तरह से सभी मुनियों के द्वारा वंदित हैं, उससे पहले हम भगवान का जो फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि किस तरह से भगवान का जो मुस्कुराहट है वो हर स्थिति में भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। तो एक डिवोटी ने भगवान के स्माइल के बारे में ये कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। द पावर ऑफ कृष्णा स्माइल, देख रहे भगवान मुस्कुरा रहे हैं ना, भगवान कभी भी दुखी नहीं होते, कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग। और प्रभुपाद जी कहते कृष्णा इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड एनीबॉडी हु कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कृष्णा, मतलब जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आएगा वो भी क्या है, हमेशा क्या करेगा, स्माइल करेगा, मतलब प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए हमें भगवान के इस
बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. सो लेट्स कम टू दिस. ओके ओके तो स्माइल में कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स है ना, SMILE. तो वी विल, जैसे हम इसको 5 चीजें भगवान की स्माइल में हैं जो कि असली में जीव को किस तरह से पूर्ण रूप से प्रसन्न करती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. तो S stands for satisfying. हाँ, निशान पर पढ़ोगे? क्योंकि हम स्वभाव से आध्यात्मिक हैं, इस भौतिक संसार की कोई भी चीज हमारे दिलों को संतुष्ट नहीं कर सकती है. भगवत गीता 17.16 में भगवान कृष्ण ने मन की संतुष्टि को सतोगुणी तपस्याओं में से एक बताया है. जितना अधिक हम इस संसार की वस्तुओं में संतुष्टि खोजने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन असंतुष्ट होता जाता है और अधिक की लालसा करता है. लेकिन जैसे ही हम भक्ति सेवा के दृष्टिकोण से अपना चेहरा कृष्ण की ओर मोड़ते हैं, हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं. तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संतुष्ट होंगे हम भगवान से, और खास कर से ये 3rd canto 28th chapter 33 verse जो कि हम पूरा वर्स ही पढ़ेंगे एक बार. बस लोग ध्यानायनं प्रहसितं बहुलादरोष्टा भासारुणायाद अनुद्विज कुंद पुंकी ध्यायेस्त स्वदेह कुरे स्वविस्तस्य विष्णु भक्त्यारात्रेऽर्पिता मना न पृथक् दीक्षिता. बढ़िया अनुवाद प्रभु इसका. योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतर मन में भगवान विष्णु की अट्ठास का ध्यान. तो ये प्रबंध देखिए, प्रहसितम बेसिकली हंसी को बोलते हैं और अट्ठास को बोलते हैं. ट्रांसलेशन में जो अट्ठास मतलब भगवान की मृदु हंसी है उसको है प्रहसितम. ये द्वार बड़ी योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतर मन में भगवान विष्णु के अट्ठास का ध्यान करे. उनका यह अट्ठास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है. भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों के जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं. एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए. तो देखिए ये श्लोक भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को बोल रहे हैं और विशेष रूप से कह रहे हैं किस प्रकार से जो योगी हैं, भक्त लोग हैं, वो भगवान के सुंदर मुस्कुराहट की तरफ जब अपना ध्यान के एकाग्र करते हैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं. मतलब उनको और कुछ देखने की कामना नहीं करनी रहती है. प्रभुपाद जी खास कर अनुवाद में लिख रहे हैं कि भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं जो कि उनके होठों की कांति कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं. और प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में भी इसी बात को लिखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा कि इफ द योगी इज एबल टू प्लेस द ब्यूटीफुल फेस ऑफ लॉर्ड इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड. इसी पर्पस में तो भगवान की एक्सेप्शनल ब्यूटी जो है वो उनकी मुस्कुराहट से. तो पहला जो भगवान का गुण है, भगवान की जो मुस्कुराहट का गुण है वो क्या है कि भगवान का जो मुस्कुराहट है उसके ऊपर ध्यान करने से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है. एस. सेकंड है एम. एम मतलब मिस्टिकल. मिस्टिकल मतलब सकते हैं, दो मतलब होते हैं मिस्टिकल के, रहस्यमयी और मोहक भी. तो भगवान की जो मुस्कुराहट है मोहित करने वाले भी और बड़ी रहस्यमयी है. और प्रभुपाद जी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंगली ये सेकंड कैंटो का चैप्टर का एक श्लोक है जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, रामायण पढ़ो, पढ़ोगे आप? लिख रहे हैं पूरा पढ़ो. सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान अपने कर्म के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तरी देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मन मुस्कुराए. तो ये फर्स्ट कैंटो के 8 चैप्टर में श्लोक आता है जब कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थनाएं की हैं. तो भगवान कुंती महारानी की प्रार्थना को सुनकर क्या लिखा है, सन मंद मंद मुस्काए. यह मुस्कान तात्पर्य बढ़िया. इस जगत में जो कोई जो भी वस्तु भोग होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है. इस भौतिक जगत पर प्रभु का जिताने में
लोग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि भगवान की जो मुस्कुराहट है वो दोनों लोगों को मोहित करती है, जो भक्त हैं उनको भी और जो भक्त नहीं है वो भी। खासकर से प्रभु सेकंड लाइन में जो लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से बद्ध जीव उनकी योग शक्ति से मोहित हो जाते हैं। भगवान हम सब बद्ध जीवों पर मुस्कुराते हैं। देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा है। He is being bewildered by my external energy. अपनी योग शक्ति से मोहित होने पर होते रहते हैं। लेकिन आगे पढ़ो, लेकिन और भगवान का कृपा पूर्ण पढ़ना, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। यस, और भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, इस प्रकार के विद्युत शक्ति विद्युत आपने सुना ये एग्जांपल प्रभावी कई बार देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से आप हीटर भी चलाते हो, उसी से एसी चलाते हो। जब भगवान भक्तों पर भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं तो भक्तों को कृपा देते हैं, और जो मूर्ख लोग जो इस भौतिक संसार में प्रभुत्व जाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भगवान जब हंसते हैं तो मोहित हो जाते हैं और वो और गहरे भौतिक संसार में आनंद लेने का प्रयास करते हैं। फर्दर पढ़ो, कितना ही क्यों ना किया जाए तथापि यह पर्याप्त नहीं है, फिर भी ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चों तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए भगवान कृष्णा स्माइल्स ऑन हिज डिवोटीज व्हेन द डिवोटीज ट्राई टू ग्लोरीफाई हिम। कुंती महारानी भगवान की महान भक्त हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना किया तो वो भी उनकी स्तुति में एक अंश मात्र था। भगवान तो महान है, कोई कितना ही बड़ा भक्त हो भगवान की कितनी स्तुति कर लेगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पक्षी क्यों ना हो पर वो आसमान को पार नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार हर भक्त अपनी क्वालिटी के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहा है। जब कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं तो बेशक वो थोड़ी स्तुति छोटी सी है, मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे की भाषा को सुनकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही कुंती महारानी की यहाँ लिखा ना अनुवाद में कुंती देवी के द्वारा की प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए। देखिए कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान के मुस्कुराने के बहुत सारे रीजन हैं। कुंती महारानी कह रही है मुझे बार बार कष्ट दीजिए, भगवान सोच रहे हैं इतने कष्ट कमें क्या, तुम्हारे पास जो और कष्ट मांग रही है तुम मेरे से। हाँ भगवान कह रहे हैं देखो मेरा भक्त मेरे पर कितना समर्पित है कि इतना कष्ट देने के बाद भी वो मुझे पूर्ण समर्पित है। और दूसरी तरफ प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिकवादी लोग हैं, आगे पढ़िए लास्ट लाइन फिर हम पढ़ते हैं। माया हाँ भ्रम और कृपा दोनों। लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए हुआ। तो जब भगवान कुंती देवी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो अपनी वो कृपा प्रदान कर रहे हैं, और जब भगवान भक्तों पर मुस्कुराते हैं मतलब भगवान बिविल्डर कर रहे हैं उनको कि देखो ये बद्ध जीव किस तरह से इस संसार में फंसने का प्रयास कर रहा है। एक और श्लोक में भागवत में लिखते हैं, पढ़ो शुभम प्रभु अनुवाद पढ़ो पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो श्रीमद् भागवतम। भागवतम के सेकंड खंडो के फर्स्ट चैप्टर के 31 श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान की भौतिक शक्ति है तो माया मतलब समझने वाला थोड़ा सा पॉइंट है। मैं जो ने भी बताया कि जो भौतिकवादी लोग हैं जो भगवान से विरुद्ध हैं उनके लिए भगवान की जो ये भौतिकवादी शक्ति है वो एक मुस्कान के रूप में कार्य करती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी वो मुस्कान है लेकिन वो आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह काम करती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब कि वो चीज भक्तों को भगवान के पास लेकर आती है भगवान की मुस्कान, और जो भौतिक जगत में जो भगवान की मुस्कान है वो भौतिकवादी लोगों को इस संसार में और फंसाती है। यस बेसिकली मुस्कान क्या भगवान की एनर्जी है।
यह पॉइंट यस। जब भी संसार में उपेक्षित रूप से प्रतिबिंबित होती होता है तो यह भौतिक ऊर्जा का रूप ले लेती है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने वाला जीवों को भ्रम में रखता है और उनके उन्हें वासनाओं के बंधन से बांध देता है। लेकिन जब जीव कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो ऊपर उद्धृत श्लोक में माया शब्द जो उनके रहस्यमय शक्ति को संदर्भित करता है जो भक्ति भ्रमित कर देती है आप समझ रहे हैं। मतलब एक तरफ भगवान के जो मुस्कुराहट है वो माया के द्वारा भौतिकवादी लोगों को संसार में फंसाती है और दूसरी तरफ जब जब भक्त कृष्ण की सेवा करता है तो उनकी जो रहस्यमय शक्ति है मिस्टिकल स्माइल वो क्या उनके स्नेह का लक्षण है। तो भक्तों के लिए भगवान का जो स्माइल है वो स्नेह का लक्षण है और जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए वो जो स्माइल है वो इंसान को बांधने वाली है। यस जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए स्नेह के साथ मुस्कुराती है और कृष्ण की मुस्कान भक्तों को बहुत खुश और संतुष्ट करती है। तो कृष्ण की जो मुस्कान है वो भक्तों को बहुत आनंद देती है संतुष्ट करती है और भगवान का स्नेह उसमें प्रदर्शित होता है। जबकि दूसरे जो भौतिकवादी जीव इस संसार में जब हाथ पैर मारने की कोशिश करता है तो भगवान एक्चुअली उस पे उसको बांधने के लिए देखते हो कि जीव देखो जीव कैसा जैसे आप देखते हो कई बार कोई कोई कम बुद्धि का व्यक्ति कुछ काम करता है उसके ऊपर हंसी आ जाती है कोई कितना मूर्ख व्यक्ति है ऐसा कर रहा है। तो इसलिए भगवान की जो मुस्कान है उसको रहस्यमय और मोहित करने वाला बताया है मिस्टिफाइंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है हम ये पांचों पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर हमको थोड़ा ब्रीफ में रिसर्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आई आई फॉर इन्फेक्शियस इन्फेक्शन समझते ना मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होना। तो जो व्यक्ति भगवान को मुस्कुराते हुए देखता है वो स्वयं भी मुस्कुराता है। भागवतम का बड़ा फेमस श्लोक है ये हासाम हरे रावण तखिल लोक तीव्र शोका अश्रुसागर विषोणोद्य उदारम शोका अश्रुसागर यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर चर्चा करना। शोका मतलब दुख अश्रुसागर मतलब आंसुओं का समुद्र। अनुवाद पढ़ना प्रभु जी क्या है पढ़ो संत प्रभु अनुवाद। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। तो देखिए इस संसार में लोगों का आंसुओं का सागर कितना है कि समुद्र है अश्रुओं के समुद्र को भी सुखाने वाली कौन क्या चीज भगवान की उदार मुस्कान। यस जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की चाप सदृश भावों का भी ध्यान करना चाहिए जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अतरंगा शक्ति से प्रकट। तो देखिए भागवत में सबसे ऊपर पढ़ना क्या है जीवन की कठिन परिस्थितियों में भगवान की मुस्कान संक्रामक प्रकृति के कारण उनके भक्तों की मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। संक्रामक समझते हैं इंफेक्शियस कंटेजियस। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आएगा तो भगवान की प्रसन्नता को देखकर भगवान की मुस्कान को देखकर उसके जो अश्रु के सागर हैं अश्रु का समुद्र है समुद्र जितना भी भगवान की मुस्कान अश्रु के समुद्र को सुखाने वाली है। भागवत श्लोक है हासम हासम हरेर अवनत अखिला श्री हरि की जो मुस्कान है वो हमारे अशोक के अश्रु सागर को दूर करने वाली है। यस आगे बढ़िए चलते पढ़ो आगे भगवत गीता में अर्जुन युद्ध में मैदान में खड़ा है और अपने रिश्तेदारों को अपने खिलाफ हथियार पर देखता है दिल की कमजोरी महसूस करते हुए वह अपना संयम खो देता है। उस दुखी अवस्था में भी वह भगवान कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है और खुद को उनके सामने समर्पित कर देता है। भगवान कृष्ण की सलाह की प्रस्तावना में वह अपनी करुणा दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं। आपने सुना था गीता में अगर आप सुनोगे जब भगवान के सामने फर्स्ट चैप्टर में है जब अर्जुन अपनी युद्ध करने की अक्षमता को प्रस्तुत करता है तो कृष्ण स्माइल्स और बोलते हैं तुम बड़े पंडितों की तरह बात कर रहे हो और तुम शोक कर रहे हो मूर्खों की तरह। एंड देन कृष्ण स्माइल्स वहां प्रभु भाई पर्वण लिखते हैं नाउ दैट कृष्ण स्माइल जैसे भगवान जब अर्जुन के उस शोकमय स्थिति में मुस्कुराते हैं तो अर्जुन का सारा शोक वहीं खत्म हो जाता है प्रभु भाई लिखते हैं। लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन के माध्यम से पूरी गीता कही जाए इसलिए अर्जुन
क्वेश्चन आंसर कर रहा है, बट द पॉइंट इज दिस, जस्ट बाय सीइंग कृष्णा स्माइलिंग ऑन हिम, कृष्णा अर्जुनस डाउट आर रिलीव्ड. यस, आगे ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. भगवान दिखाने के लिए कोई भी समस्या, इस संसार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या जिसका समाधान भगवान के पास नहीं है. यहां लिख रहे ना, ये दिखाने के लिए कोई भी समस्या उनके समाधान के लिए बहुत बड़ी नहीं है. जस्ट नाउ कृष्णा स्माइल इज फॉर डिवोटीज, भगवान गीता में मां सोचा तुम डरो मत, शो क्यों कर रहे हो. जब भक्त कभी कंफ्यूज होता है, अपने पद से विचलित होने लगता है, तो कृष्ण स्माइल्स ऑन हिम, व्हाई यू आर वरीड, आई एम हियर. तो अर्जुन जब अपने पद से भ्रष्ट हो रहा था, तो भगवान थोड़ा सा उसको मुस्कुराते हैं उसकी तरफ देख के, और वो मुस्कुरात ये बात की घोषणा कर रही है कि तुम कितने ही बड़े कष्ट में क्यों ना हो, मेरे पास इसका सोल्यूशन है. और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर ऑल डिवोटीज. में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यस आगे पढ़ो. कठिन परिस्थितियों में भी आप समझ रहे पॉइंट क्या समझाया कि भगवान जब हमें किसी भक्त को कष्ट देते हैं, और आप अगर भगवान के सामने जाते हो और उनके स्माइलिंग फेस को देखते हो, तो उसके द्वारा क्या होता है, भगवान हमारे को कठिन परिस्थितियों में भी उनके करीब आने की उनकी अकल्पनीय योजना. थोड़े हैवी वर्ड्स हैं ये. कृष्ण का क्या प्लान है हमारे को उनके पास ले जाने के लिए, भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, बाय दिस, बाय क्रिएटिंग दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन को लाकर बेसिकली तुम्हारे को अपने प्रति और निकट ला रहा हूं. कृष्ण स्माइलिंग, डोंट वरी. तो प्रभु लिख रहे हैं कि उनकी अकल्पनीय योजना, हमारी भी कुछ योजना है और भगवान की भी कुछ योजना है, और भगवान की तो अल्टीमेटली एक ही योजना है कि मेरे पास जब जीव आएगा तभी वो प्रसन्न होगा. तो उनकी अकल्पनीय योजना को याद रखने में आपको मदद मिलती है. इसलिए लास्ट प्रभु लिखते हैं, यस और ये बात अगर आपने प्रभुपाद जी की वीडियोस देखी हैं, और जिसने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए, यू विल सी खासकर डिवोटीज के लिए, मतलब इनिशियल डेज में डिवोटीज को बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़ता था इस्कॉन को ग्रो कराने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मंदिर बनाना हो, प्रचार करना हो. लेकिन एक बार अगर वो हो गया, एक बार अगर वो प्रभुपाद जी को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखते, दे विल फॉरगेट एवरीथिंग. सो दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज स्माइल. एक्चुअली क्योंकि आज के श्लोक में राजा कुलशेखर अपने मन को ट्रेन दे रहे हैं, हे भगवान मैं आपके उस मुख को देखना चाहता हूँ जिसमें आप मंद हास्य के द्वारा अपने भक्तों के सारे शोक सागर को दूर कर लेते हो. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण स्वयं प्रसन्न है. और कृष्ण देखिए ना, गोवर्धन लीला में क्या हुआ, गोवर्धन लीला में सब लोग दुखी थे, पूरे बाढ़ की वजह से उनका सारा घर बार सब तहस नहस हो गया था. और इधर कृष्ण जब गोवर्धन उठा रहे हैं, तो उनको एक और चिंता थी कि अगर कहीं गोवर्धन फिसल गया तो हमारा जीवन भी चला जाएगा. लेकिन जब कुछ समय के बाद भक्तों ने देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ है, तो उन्होंने धीरे धीरे उनकी उंगली से उनके फेस की तरफ अपने को लेके आए, और देन कृष्णा स्माइलिंग. आप देखोगे प्रभुपाद ने फोटो में आया, कृष्णा स्माइलिंग. ऑफकोर्स भगवान के स्माइल करने के बहुत सारे, एक रीजन ये कि अपने जो भक्तों का शोक दूर करना चाहते थे कि डोंट वरी आई एम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और दूसरा भगवान कह रहे थे मेरा प्लान कामयाब हो गया. क्या प्लान था भगवान का? प्लान था कि सारे लोग इकट्ठे हों, कोई घर नहीं जाए, सब कुछ उनका उजड़ जाए, जिससे कि वो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रहूं. और भगवान ने कॉल किया इंद्र को, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. आपको पता है इंद्र और कृष्ण में क्या बोलते उसको, साठ गांठ थी. आप सोचोगे इंद्र ने क्यों ऐसा किया, उसको क्रोध आया, बट असली में भगवान की इच्छा के बिना तो देवता लोग भी कुछ करते नहीं है. दिस वॉज कृष्णा प्लान. तो एनी द पॉइंट इज दिस, कृष्णा जब अपना जब कृष्णा के जब भक्तों को अपने पास लाने का प्लान सक्सेसफुल होता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं. और कृष्ण का जब खुद का प्लान प्रसन्न होता है भक्तों के पास जाने का, तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं. इन ऑल सर्कमस्टांसेस कृष्णा इज स्माइलिंग.
डिवोटीज के लिए क्या है, द मोमेंट डिवोटीज सी कृष्ण स्माइलिंग फेस, जैसे ही भक्त लोग कृष्ण के स्माइलिंग फेस को देखते हैं, दो बातें, एक कृष्ण है वो हर चीज को हैंडल कर सकते हैं, आई शुड नॉट वरी, और सेकंड भगवान का इसमें जरूर कोई ना कोई प्लानिंग है। तो इनको देखने के बाद क्या है, वो स्वयं भी प्रसन्न अवस्था में आते हैं। थोड़ा हैवी लग रहा होगा ना आपको, ये कैसे होगा, बट यस वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। हम जब देखना शुरू करेंगे, प्रभुजी अगले में आगे लगाएंगे कि किस तरह से अगर प्रयास करेंगे भगवान के तरफ अपने आप मुख देखने, तो धीरे धीरे हमारा जो शोक है वो दूर होगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट था एल, एल फॉर लास्टिंग फॉरएवर। ऐसा नहीं कि भगवान अभी हंस रहे हैं और फिर बाद में, हमारी जो मुस्कुराहट है वो टेम्परेरी है। पढ़िए इधर माता जी से, पढ़ सकते हैं माता जी, पढ़ो। हमेशा ऑलवेज, ऐसा नहीं कि भगवान एक समझ रहे, यस आप देख रहे हैं इस संसार में भी लोग मुस्कुराते हैं, प्लास्टिक स्माइल प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये प्रभुपाद जी के अर्पण में से ट्रांसलेट करके दिया, इसलिए कई बार हिंदी आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी, बट द आइडिया इज बिकॉज मैं प्रभुपाद जी के वर्ड्स को एज इट इज आपके सामने डालना चाहता था। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक तरफ कृष्ण अपनी मुस्कान के साथ अपने भक्तों के संग हमेशा एक्सचेंज ऑफ लव, प्रतिकार प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ इस संसार में क्या है, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अब देखते हैं जब भी कोई नेता आएगा, अभिनेता का स्माइल करेगा मेरे, और आप लगे वो हमारे से बड़ा खुश है, यहाँ लिख रहे हैं यस, निजी स्वार्थों की पड़ी द्वारा से, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस दुनिया की प्लास्टिक मुस्कुराहट हमेशा के लिए नहीं रहती, अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर कृष्ण उनके ऋणी हो जाते हैं, प्रत्युत्तर में वह मुस्कुराते। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आगे हम पढ़ेंगे, जब भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान, एक तो भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा वो उनके ऋणी हो जाते हैं और कहते हैं मैं इनको क्या दे सकता हूं, और बदले में भक्त को भगवान अपना प्रसन्न मुद्रा वाला चेहरा दिखाते हैं, कृष्ण स्माइल्स ऑन देम, और उससे भक्त को सारा कुछ मिल जाता है। ये पढ़िए आगे, भगवान अपने दिव्य रूप में अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं, और जब वे हमारी सेवा और समर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना पूरा अस्तित्व जब भक्त भगवान की सेवा करने का, प्रसन्न करने का उनको प्रयास करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल पढ़ा ना, यथा तरोर उन्मूलनम, श्लोक याद है किसी को, क्या है इसका एग्जाम्पल मीनिंग, मतलब कि जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ हरा रहता है, तो अगर कृष्ण को प्रसन्न करोगे कृष्ण के अंश के रूप में आपको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता मिलेगी, यानी कि ना उनकी मुस्कान, मतलब भगवान की प्रसन्नता, भगवान की जो मुस्कान है वो हमारे हार्ट को भी टच करेगी, और हम भी पूरी तरह से, अभी क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं इसलिए उनके अंश होने के नाते हम दुखी हैं। और प्रभुपाद जी इस बात को भागवतम के अगले श्लोक में बताते हैं, इस थर्ड कैंटो का 8 चैप्टर का 27 पायलमती पढ़िए, पूरा पढ़िए। अनुग्रहित भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्ति करता है मैं उसके प्रति ऋणी बन जाता हूँ। यस देखिए भगवान अपने मुस्कुराहट से ही भक्तों की सेवा के उत्तीर्ण, मतलब ऋण को उतारने का प्रयास कर सकते हैं। यस जीवंत होते रहते हैं, समझ रहे हैं पॉइंट है ना। सो व्हेन अ डिवोटी सर्व्स कृष्णा,
जब एक भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हंसते हैं, और भगवान की प्रसन्नता को देखकर भक्त प्रसन्न होता है, और फिर भक्त की प्रसन्नता को देखकर भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से सेवा और सुकृति के ऐसे आदान प्रदान से भगवान और भक्तों के बीच एक दिव्य स्पर्धा चलती रहती है, स्पिरिचुअल कंपटीशन। तो डिवोटी प्लीजेस कृष्णा बाय हिज सर्विस, कृष्णा प्लीजेस डिवोटी बाय हिज स्माइल, एंड देन व्हेन डिवोटी बिकम्स हैप्पी देन कृष्णा बिकम्स मोर हैप्पी। देखिए यहां पर कहीं भी शोक या दुख का कारण नहीं है, और ये कब की, ऐसा नहीं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, चाहे प्रहलाद महाराज का केस हो, चाहे हरदास ठाकुर का केस हो, कोई भी हो, वो भगवान की सेवा करके भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको देखकर भक्त भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से भक्त हर समय भगवान की प्रसन्न मुद्रा को देखकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हंसमुख रहते हैं। और लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स क्या है, ई इंचेंटिंग, लेट मी जस्ट कॉल इट इंचेंटिंग, मतलब सबको आकर्षित करने वाली। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये बड़ा सुंदर चैप्टर है, अगर आप पढ़ोगे मध्य लीला का जो 21st चैप्टर है, उसका नाम है द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। अभी तो चैतन्य चरितामृत पहुंचे नहीं होंगे आप लोग, इट्स ए वेरी नाइस चैप्टर। असली में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो हमेशा कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे, और एक बार जब वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में थे तो उन्होंने अशोका वृक्ष के नीचे कृष्ण को देखा, और फिर वो कृष्ण की सुंदरता और मधुरता का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर वो सनातन गोस्वामी को ज्ञान देते हुए एक श्लोक में कह रहे हैं, मध्य लीला 21st चैप्टर 138 में पढ़िए, सोनी की माता पढ़ोगे, यस पढ़ो। भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कृष्ण का शरीर आकर्षक विशेषताओं का शहर है और ये मधुर से भी मधुर है। मतलब भगवान का शरीर है वो मधुर से ही मधुर है, यस। उनका चंद्रमा के समान मुख और भी मधुर, और पूरे शरीर में जो उनका मुख है वो चंद्रमा के समान और भी ज्यादा मधुर है, और इस चांद जैसे चेहरे पर परम मधुर सौम्य मुस्कान चांदनी की किरणों के समान है, यस। ये परम आकर्षक मुस्कान ना केवल भक्तों को बल्कि अभक्तों को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। तो अब देखिए, मतलब महाप्रभु को स्वयं भगवान है, बट जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भगवान का पूरा शरीर ही सर्व आकर्षक है, उसमें भी भगवान का जो फेस है वो और भी आकर्षक है, और फेस के ऊपर भी जो भगवान की स्माइल है दैट इज चांदनी के किरणों के समान है, और वो केवल भक्तों को ही नहीं अभक्तों को भी मंत्र मुग्ध कर देती है। जब जगाई मगाई का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए तो जब देखा कि नित्यानंद रोक रहे हैं, तो नित्यानंद और महाप्रभु को देखकर जगाई मगाई जैसे जो भाभी लोग थे वो भी इसलिए मुग्ध हो गए और उनके शरणागत हो गए। तो इसके प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की जो मुस्कान है वो इंचेंटिंग, मतलब सबको आकर्षित करने वाली है। अब देखो समुद्र लीला में क्या हुआ, समुद्र मंथन लीला में भगवान जब मोहिनी रूप में आते हैं और मुस्कुराते हैं तो वो असुरों को भी आकर्षित कर लेते हैं। वो असुर जो कि अमृत का घड़ा लेकर दौड़ रहे थे वो रुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है आप ले लो और आप बांटो इसको। सो कृष्णा स्माइल इज इंचेंटिंग। इसी प्रकार जब भगवान शिव की लीला है ना भस्मासुर वाली, जैसे भस्मासुर ने शिव जी के पीछे दौड़ रहे थे तो भगवान पीछे आके बोले, और भगवान जस्ट मुस्कुराए भस्मासुर के सामने, बोले क्या तुम उस शिव की बात मान रहे हो, एंड हिज स्माइल वाज सो इंचेंटिंग, आकर्षित थी कि वो असुर भस्मासुर को भी कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला हाँ हाँ, और उन्होंने बोला ठीक है अपने सर पर हाथ रखो, हमने पूरी कथा सुनी है। तो इस तरह से हम देखेंगे कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो क्या है, सब जीवों को आकर्षित करने वाली है। आगे पढ़िए, यस माता जी पढ़ो, पीछे अलका माता जी पढ़ोगे, यस पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यस तो आपने सुना ना भगवान का नाम मुकुंद है, क्यों, क्योंकि भगवान मुक्ति देने वाले, लेकिन यहाँ पर मुकुंद का एक और मीनिंग है, पढ़िए। भगवान कृष्ण को ये भगवान का एक और नाम है मुकुंद। तो कुंद एक फ्लावर होता है और मुख मतलब हमेशा से, तो जिनका चेहरा हमेशा उस मुस्कुराते हुए कुंद फ्लावर के समान सुंदर है, यस। तो दोनों चीजें, अगर भक्त को कोई चिंता है तो भगवान अपनी मुस्कुराहट से उसको दूर करते हैं और गर्व को भी दूर करते हैं। देखिए बहुत सारे जैसे इवन शिव जी कई बार कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं मोहिनी रूप से भ्रमित नहीं हूंगा,
तो भगवान कई बार अपने भक्तों के गर्व को भी दूर करते हैं। तू क्या चीज है, भगवान गीता में शुरू में बोल रहे हैं कि जिस भगवान ने जिस ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के पिता है भगवान, वो भी मोहित हो गए। एंड कृष्ण स्माइलिंग, देखो तुम जैसा व्यक्ति भी मोहित हो गया। तो भगवान हमारा गर्व भी दूर करते हैं, भगवान हमारी चिंताओं को भी दूर करते हैं अपनी मुस्कान से। तो भगवान का एक नाम मुकुंद इसलिए भी है, क्योंकि कुंद जो एक फ्लावर है जो कि हमेशा मुस्कान खुला खिला रहता है, इस तरह से उनका जो रखता है। एक दो स्लाइड्स और हैं फिर हम फिनिश करेंगे। यस पढ़िए माता जी, पढ़िए। तो भगवान का जो मुस्कुराहट है वो हमें आशा की किरण देती है। इफ कृष्णा इज स्माइलिंग ऑन मी, इट मींस कृष्णा हैज सम प्लान। तो चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना, जैसे प्रभा जी कह रहे हैं कि हम शाश्वत हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान से हमारा संबंध भी शाश्वत है, और बाकी संसार में कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए डिवोटी के लिए। लास्ट स्लाइड माता जी आप पढ़ो, पीछे पढ़िए माता जी पढ़ो। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके संसार में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या, आपके दिल में क्या चल रहा है, कृष्ण नोज एवरीथिंग। सो कृष्ण स्माइल्स इंडिकेटिंग आई नो एवरीथिंग, व्हाई आर यू वरिंग। तो वो हर बड़ी से बड़ी कठिन समस्या को भी एक छोटी सी चीज बना देता है। मतलब व्हेन यू सी ऑन कृष्णस स्माइलिंग फेस, कि भगवान की जो मुस्कुराहट है उसके सामने हमारा बड़ा से बड़ा जो कष्ट है वो भी छोटा बन जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ डेवलपिंग योर फेथ एंड अटैचमेंट, इसको समय लगता है। बट द पॉइंट इज दिस, जो हम पॉइंट आज डिस्कस कर रहे थे कि असली में राजा कुलशेखर जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, किससे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका जो सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसका मैं दर्शन कर सकूं। तो यहाँ पर ये था ना कि मैं उन हरि का चिंतन करता हूँ जिनकी कमल समान प्रसन्न मुखमंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती है। सो देयर इज ऑलवेज नाइस स्माइल ऑन कृष्णास फेस, और उसकी वजह से भक्त लोग कितने भी बड़े अश्रु का सागर हो उसको आसानी से पार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा यू शुड गो डेली, हमें डेली भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। आप कितने ही कष्ट कितने ही शोक में क्यों ना हो, भगवान का प्रसन्न मुख जो चिद्रा है उसको देख करके आपका सारा शोक दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो था उसको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं भगवान, कौन से कहते हैं, पढ़िए मतलब पढ़ोगे आगे कृष्ण के, क्या है ना नहीं पढ़ सकते ममता जी, पढ़िए माधुरी जी। उदाहरणतः कृष्ण कभी कभी अपने सिर पर अपने पिता की छड़ाव रखकर अपने माता पिता को प्रमोदित करते थे, जिस तरह एक सामान्य बालक करता है। तथा कृष्ण ने द्वारिका में भी अपनी भव्य लीलाओं का आनंद उठाया, जहां वे 16,108 महलों में इतनी संख्या में रानियों के साथ अद्वितीय ऐश्वर्य में रहे। एक बार नारद जी द्वारिका में भगवान से भेंट करने गए, उन्होंने उन्हें ने अनेक महलों में विविध लीलाओं में संलग्न देखा। उस समय नारद विस्मित हो गए और उन्हें समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत कहकर उनका तो ये दो लीलाओं के द्वारा राजा कुलशेखर ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में नंद महाराज के खड़ाऊ सर पे रख रहे हो, चाहे आप राजा के रूप में 16,108 रानियों के साथ एक साल महल में वास कर रहे हो, बट आप असली में परमात्मा हो जिसका कि ध्यान स्वयं नारद मुनि से मुनि भी करते हैं। आगे इस पढ़ी। विरोधाभास समझते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन।
आप बोलोगे एक तरफ तो देखिए भगवान एक नौकर की तरह अपने पिताजी के खड़ाओं को सर पे रख रहे हैं जैसे साधारण बालक होता है, और एक तरफ भगवान इतना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि एक ही साथ 16,008 रानियों के साथ 16,108 महलों में है। तो ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना कि वो ही कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली कैसे होते हैं। तो राजा कुलशेखर हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो खुद भक्ति में अंग लेते हैं और अपने संग से दूसरों को इंस्पायर और इनकरेज करते हैं। तो राजा कुलशेखर हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि ठीक है इस संसार में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, दुखालयम है, लेकिन फिर भी इसी संसार में भगवान कृपावश अपने सुंदर मुस्कुराते हुए मुखारविंद का दर्शन देते हुए हमें शोक सागर से उबार सकते हैं। और भगवान शोक सागर से उबारते हैं और साथ में वही भगवान जो कि अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं वो असली में सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद जैसे संतों के द्वारा भी वर्णित है। इसलिए मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर लिखा ना, मैं उनका चिंतन करता हूँ। तो देखिए भगवान की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, कहाँ भगवान अपनी मुस्कान से भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, कहाँ वो नंद महाराज के पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, और कहाँ वो अनेक ऐश्वर्य को दिखाकर ये साबित कर रहे हैं वो परम पूर्ण सत्य हैं जिनकी स्तुति मुनि लोग भी कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे भगवान हरि का चिंतन कर रहा हूँ। तो जो लोग सोच रहे कि नहीं नहीं आप तो मनगढ़ंत तरीके से किसी को भी नहीं, हम उन भगवान की पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की जो हर तरीके से हर व्यक्ति को, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे उनके शुद्ध भक्त हों, और चाहे वो उनके बिगनिंग वाले डिवोटी हों, बिगनिंग वाले डिवोटीज के शोक और कष्टों को दूर कर रहे हैं, नंद महाराज जैसे उन्नत व्यक्तियों भक्तों के आनंद प्रदान कर रहे हैं। प्रमोदित यहाँ बढ़ाया था जब यशोदा मैया ने देखा कि नंद महाराज के खड़ाओं लेकर आ रहे हैं तो सब गोपियां और आनंद ले रही थी, और तीसरे जो नारद जैसे मुनि हैं वो उनको परम पूर्ण सत्य की तरह वंदना कर रहे हैं। देखिए कृष्ण हर भक्त के संग अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए राजा कुलशेखर उनकी स्तुति कर रहे हैं। वेरी नाइस वर्स, और खासकर से भगवान के इस स्पेशल एक जो गुण है कि भगवान के मुखमंडल पर प्रसन्न मुखमंडल में मृदु मुस्कान बनी रहती है, उसका हमें निरंतर दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बिकॉज कृष्णा इज गिविंग एश्योरेंस, तो वर्ड्स में भी एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान माँ शुचा कहकर, अपने फिगर में भी, अपने फेस में भी इंप्रेशन दे रहे हैं कि यस डोंट वरी आई एम देयर, आई विल टेक केयर। और ऑफ कोर्स राजा कुलशेखर जैसे भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात को प्रूव भी कर रहे हैं कि यस कृष्णा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। वेरी नाइस वर्ड्स, वी शुड ट्राई टू इम्बाइब इट एंड फॉलो इट। हरे कृष्णा। किसे कोई कमेंट है, क्लेरिफिकेशन है? कोई कमेंट नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, सब कुछ साफ है। तो प्रभुपाद ने क्या मेन बात लिखी कि ये हम जो निरंतर चिंतन है, स्मरण है, वो कब कर पाएंगे? जब हम क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। तो अभी हम उससे स्टेज पर नहीं कि निरंतर स्मरण कर पाए भगवान के मुस्कुराते चेहरे का, लेकिन अगर हम निरंतर कीर्तन करेंगे देन, तो इसलिए प्रभुपाद ने खासकर से चैंटिंग और कीर्तन के ऊपर इतना ज्यादा बल दिया है। सो वी शुड मेक दिस एन हैबिट। ऑफ कोर्स भगवान का दर्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यस बोलिए। मोहित करती है। हमने एग्जांपल दिया ना दो तरीके, जैसे जो अभक्त के बारे में बताया, जैसे हमने असुर का उदाहरण दिया, कैसे भगवान की मुस्कुराहट के मतलब वैसे वो शिव जी को छोड़ने वाले नहीं थे असुर, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट से उन्होंने वही काम किया जो कि सिख भक्त है, भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो वैसे ही जो अभक्त है, अगर भगवान किसी भक्त की रक्षा करने के लिए, किसी प्रयोजन के लिए अभक्त के सामने अपनी मुस्कुराहट प्रस्तुत करते हैं तो उसको भी मोहित करते हैं। दूसरा हमने चर्चा किया कि जो अभक्त हैं उनको भ्रमित करती है भगवान की मुस्कुराहट। जो अभक्त है वो सोच रहा है कि हाँ भगवान का सेंक्शन है कि मैं लगे रहूँ इस संसार में, तो वो और इस संसार में
मोहित होकर लगा रहता है, पर जो भक्त हैं उनके लिए भगवान की मुस्कुराहट उनको शांति और आनंद प्रदान करने वाली है। सो दैट वे वी फ्रॉम दिस एंड लास्ट यस बट इसमें क्लाइंट ने बताया था कि जब हम कष्ट की स्थिति में होते हैं भगवान की मुस्कुराहट है हमें एनर्जी प्रदान करती है कि वो कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे, भगवान है। तो ये वाला जो सिचुएशन है जैसे नॉर्मल छोटे मोटे कष्ट आते हैं तो उसमें तो ये फेथ बना रहता है कि भगवान है करेंगे। जब कोई मतलब विकट परिस्थिति आती है क्या मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है तो उसमें हम सोचते हैं कि हम मुसीबत में भगवान आप मुस्कुरा रहे हो तो वो मतलब फेथ कैसे बिल्ड करें कि हाँ स्वीकार करता है कि असली में मेरे कर्मों की वजह से मुझे अधिक कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान आप तो ठोकर में छोड़ रहे हो मुझे।